हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरवी नंदा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि सारा हम सभी फेस करते हैं, तो उसी के लिए एक बहुत ही आसान होम रेमेडी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो जो कि और हमारे किचन में ही अवेलेबल चीज़ों से आसानी से बन जाती है। तो इस रेमेडी को बनाना कैसे है मैं सारा आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। तो इसको यूज करने से आपके जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है 100% सॉल्व होगी, और उसके साथ ही आपके बालों में चमक भी आएगी, शाइन भी लाएगा, आपके बालों को सॉफ्ट भी बनाएगा, और अगर आपको दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है तो उसे भी सॉल्व करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड और अदर हेल्दी टिप्स जो कि हमारे लिए जरूरी होती हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें एक बाउल में चाहिए दही। तो दही अगर आप खट्टा लेंगे तो वो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो खट्टा दही होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे डैंड्रफ के लिए। तो एक बाउल में आपने लेना है दही, और कोशिश कीजिएगा कि जो दही है वो घर वाला ही यूज कीजिएगा, मार्केट वाला यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट वालों में तो मिलावट की होती है, तो उतने अच्छे बेनिफिट्स हमें ना मिल पाए जो कि हमें चाहिए। और सेकंड चीज हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस जो होता है हमारे स्कार्प के ऊपर जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, और हमारे हेयर फॉल प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। एंड जो थर्ड एंड लास्ट चीज है वो इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। तो मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल दिया है, कोशिश कीजिएगा आप भी फ्रेश लें। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट वाला यूज कर सकते हैं। तो 3 से 4 चम्मच के करीब फ्रेश एलोवेरा जेल। तो इन तीनों चीजों को अभी आप अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, क्योंकि हमने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया तो कुछ समय हमको लग सकता है इसे मिक्स होने में, और इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स होने के बाद ये देखिए कितना थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको अपने बालों के ऊपर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, जो रेमेडी हमने तैयार की है तो भी आपने लेना है, उसके अपने स्काल्प के ऊपर आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। स्काल्प पर अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने पूरे बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बालों में शाइन लाने में, हमारे बालों को चमकदार बनाने में और मुलायम बनाने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपको दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। 1 घंटे तक लगा रहने दे और उसके बाद वॉश कर लीजिए। ये हमारी होम रेमेडी जो कि बहुत ही आसान और 100% इफेक्टिव है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी जो हेयर फॉल या डेंड्रफ की प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होगी, और साथ ही साथ आपके जो बाल है शाइनी भी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और मुलायम बनेंगे। और अगर आपको दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस रेमेडी को जरूर यूज़ कीजिएगा, और आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डेली नहीं यूज़ कर सकते तो 1 दिन 2 दिन छोड़कर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।